हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिपार्चर फ्रॉम द यूजुअल। गाइस, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है या आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो लेट्स मूव ऑन टू टुडेज टॉपिक। गाइस, इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है और व्हाट्सएप को यूज़ करने वाली पॉपुलेशन है 300 मिलियन। बट आप में से कितने लोगों को पता है कि व्हाट्सएप की डार्क साइड भी है, फिर चाहे वो उसकी वजह से गई लोगों की जान हो या फिर लोगों की प्राइवेसी और सिक्योरिटी का सवाल हो। एक सर्वे के अकॉर्डिंग भारतीय जनता पार्टी व्हाट्सएप को लोगों की सोच बदलने के लिए इस्तेमाल कर रही है। हमारे देश की शांति और स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। अपने इसी अभियान के चलते बीजेपी हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में गो हत्या और गो मांस खाने के खिलाफ अफवाहें फैला रही है। इसके अलावा व्हाट्सएप पर ऐसे बहुत से ग्रुप्स हैं जो बीजेपी के साथ इसमें शामिल हैं, और इसी वजह से इंडिया के कई हिस्सों में कितने ही मासूम लोगों की गो हत्या के झूठे इल्ज़ाम में हत्या कर दी गई है। ऐसे ही सितंबर 2015 में एक मोहम्मद अकलक नाम के आदमी की हत्या कर दी गई, जिसके बारे में व्हाट्सएप पर गौ हत्या करने और उसके मांस को अपने घर में रखने की अफवाहें फैल रही थी। एंड लेट मी टेल यू, ये सभी र्यूमर्स बिल्कुल भी वेरीफाइड नहीं थे, मगर फिर भी इस काउ प्रोटेक्शन ग्रुप ने उसे टारगेट किया और फिर उसकी हत्या कर दी, बजाय इसके कि वो मोहम्मद के बारे में पुलिस को खबर करते और पूरे मामले की जाँच होने देते। पहले ही हमारे देश में कई अलग अलग गुट बन चुके हैं जिनकी अपनी एक सोच है और वो एक दूसरे के खिलाफ है, मगर व्हाट्सएप ऐसी सिचुएशन में आग में घी डालने वाला काम कर रही है और लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि वो दूसरे लोगों को भड़का सके और अपनी सोच सभी तक पहुंचा सके। इंडियन अथॉरिटीज़ के हिसाब से व्हाट्सएप के इन सब चैलेंजेस से डील करना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि व्हाट्सएप खुद मान चुका है कि ऐसी फेक न्यूज़ और भड़काऊ मैसेजेस पर नज़र रखना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ओवरऑल देखा जाए तो व्हाट्सएप इंडिया के लोगों को दिन पर दिन कट्टर बनाता जा रहा है, और ये डिजिटल ग्रुप्स लोगों के अंदर से भाईचारा और इंसानियत धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। ये तो थे कुछ पॉलिटिकल मुद्दे, बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अदर इश्यूज़ विद व्हाट्सएप। डू यू गाइज नो कि व्हाट्सएप को यूज़ करने की मिनिमम एज क्या है? इट्स 16 ईयर्स, और अगर कोई 16 साल की उम्र से छोटा है तो उसे व्हाट्सएप को यूज़ करने के लिए पेरेंटल परमिशन की ज़रूरत है। बट क्या 16 साल से कम उम्र के बच्चे व्हाट्सएप नहीं चलाते? ये तो आप लोग ही बेटर जानते हैं। क्या आपको कभी एहसास हुआ है कि व्हाट्सएप गारंटी नहीं देता कि आपकी बातचीत कॉन्फिडेंशियल रहेगी, कि आप अपने दोस्तों और परिवार को जो डेटा भेजते हैं वो बिना किसी इंटरसेप्शन यानी अवरोधन के ट्रांसफ़र हो जाता है? इसलिए आप सबको सावधान रहना चाहिए कि आप व्हाट्सएप पर क्या लिखते हैं। बात करें व्हाट्सएप चैट्स की, तो लेट मी टेल यू, व्हाट्सएप की चैट्स कभी भी डिलीट नहीं होती, बल्कि वो बस व्हाट्सएप के डेटाबेस में हाइड हो जाती है। इसका मतलब आपका डेटा सिक्योर नहीं है, और अगर आपका फ़ोन कभी गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो उसका मिसयूज़ हो सकता है। इतनी सारी कमियों और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बाद भी आज लोग व्हाट्सएप एडिक्ट बन चुके हैं। ऐसे बहुत साइंस हैं जो ये प्रूव करते हैं कि आपको व्हाट्सएप की लत लग गई है। आप जब भी बाहर जाते हैं तो आप अपने फ़ोन से आंखें नहीं हटा पाते और रास्ते में आने वाली दीवारों, दरवाज़ों और लोगों से टकराते रहते हैं। अगर आपको बार बार व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन का साउंड सुनाई देता है जबकि असल में कोई मैसेज आया ही नहीं होता, तब समझ जाइए कि आप सच में व्हाट्सएप के आदि हो गए हैं। और लास्ट सीन, डबल टिक और ब्लू टिक से कितने लोगों के बीच कितनी गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं, इस सब से तो आप सब वाकिफ ही होंगे। आप दोस्तों के साथ बाहर हो मगर आपका ध्यान बस इसी चीज़ पर रहता है कि कब आप एक अच्छी सी फ़ोटो लेंगे और अपनी व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक चेंज करेंगे। चाहे आपके पास कितने भी काम हो, आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि आप अपने व्हाट्सएप मैसेजेस का रिप्लाई करें। आपको हर दिन कम से कम एक जोक, एक वीडियो या फिर एक ना एक पिक्चर तो ज़रूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजनी ही होती है। आपकी ज़िंदगी की कोई भी छोटी बड़ी घटना आपका व्हाट्सएप स्टेटस बन जाती है। अगर ये सभी साइंस आपके अंदर भी हैं तो समझ जाइए कि इट्स टाइम टू एंड दिस एडिक्शन, और अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लाने और व्हाट्सएप से डिस्ट्रैक्ट होने के तरीके आपको ढूंढने चाहिए।
अब बात करते हैं व्हाट्सएप पर होने वाले कुछ और क्राइम्स के बारे में। व्हाट्सएप पर ऐसे कई केसेस हैं जहां पर सेक्सुअल नेचर के फ़ोटोज़ और वीडियोस खुलेआम सर्कुलेट हो रहे हैं, और जो लोग ऐसा करते हैं वो एक बहुत ही सीरियस क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि जो मटेरियल वो शेयर कर रहे हैं उस पर उनका कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या अननोन कॉन्टैक्ट या फिर आपका जानने वाला ही आपको ऐसा कुछ कंटेंट भेजता है, तो इट्स बेटर टू डिलीट ऑल दोज थिंग्स फ्रॉम योर फ़ोन एंड लीव दैट कन्वर्सेशन। साथ ही अगर व्हाट्सएप पे कोई ऐसी वीडियोज़ शेयर की जा रही हैं जिसमें बुलिंग हो रही है या फिर लोगों का मजाक बनाया जा रहा है, और अगर उस वीडियो का विक्टिम पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है, तो उस इंसान पर सीरियस चार्जेस लग सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई भी एक्सीडेंट्स और मरे हुए लोगों की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, तो उन्हें भी जेल की सज़ा हो सकती है। अगर आपको व्हाट्सएप के रूल्स और पॉलिसीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप उसकी यूज़र पॉलिसीज़ पढ़ सकते हैं, और मैं उन पॉलिसीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, सो यू कैन चेक दैट आउट फ्रॉम देयर एज़ वेल। गाइज, आई एम नॉट अगेंस्ट व्हाट्सएप, बस ज़रूरत है तो थोड़ी नॉलेज और समझदारी की, और साथ ही अपनी और दूसरों की सेफ्टी के बारे में सोचने की। एंड इट्स टोटली अप टू यू कि आप इस ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं या नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ।